अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप रोज़ फ्लावर पेंटिंग देखने वाले हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारे हर डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं रोज़ फ्लावर बनाने वाली हूँ, बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो मुझसे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास हो रही है। और आज 1 नवंबर है और आज से क्लास स्टार्ट होने वाली है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आज अभी उतना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं बताया जाता, बहुत हल्का वर्क बताया जाता, आप कल तक ज्वाइन करवा सकते हैं। अगर जिसको भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, जिनकी भी एक क्लास छूट जाएगी मैं उसको पूरा करवा दूँगी। अगर कोई है ज्वाइन करने वाला तो ज्वाइन कर सकता है। और चलिए हम आपको आज की पेंटिंग बताते हैं किस तरह से आपको पेंटिंग करना है। और इसकी पेंटिंग आपको शायद बहुत पसंद आएगी, उम्मीद है कि ये बहुत पसंद आएगी क्योंकि सभी लोग डार्क कलर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आज मैं डार्क शेड से पेंटिंग बना रही हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आए। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने 4 नंबर का ब्रश फ्लैट लिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीन के साथ लेमन येलो में बाहरी हिस्सों में फिल कर रही हूँ। जहाँ पे हमारा कॉर्नर सिप है वहाँ पे हमने सारा ग्रीन कलर और लेमन येलो सेट को जो है फिल कर लिया है। ये आपको अभी अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन ये जब बाद में आपकी डिज़ाइन बन जाएगी तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत लगेंगे। बाहर सेट भरने के बाद हमारी ये डिज़ाइन जो है और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, अच्छी दिखती है। और अब यहाँ पे हम आपको लिफ्ट करके बताएंगे और जो कली है उसको करके बताएंगे। तो आप चैनल पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि डिज़ाइन बहुत अच्छी है, पेंटिंग बहुत अच्छी है। अगर आप इस तरह के बेडशीट भी बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन हमने तैयार की है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे हमने कलर ले लिया है, आप देख सकते हैं रेड, ग्रीन, वाइट, येलो। येलो का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, मैं सिर्फ ऐसे ही ली हूँ, कहीं कहीं लगाऊंगी, देखूंगी अगर सही लगेगा तो लगा दूंगी, नहीं तो फिर ऐसे ही ग्रीन और रेड का जो है यूज़ करूंगी। तो यहाँ पे हमने कली बनाई थी लेकिन वीडियोज़ में नहीं आया था, तो इसके लिए मैंने उसको जो है आपको दूसरी कली करके दिखाती हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आप ब्रश देख सकते हैं 1 नंबर का है और ये ब्रश वही है जो मैं आपसे बोल रही थी कि हल्का है, नहीं चल रहा है, तो उसको मैंने कटिंग कर दी है। और उसको कट करके हमने जो है न्यू ब्रश था उसकी हमने कटिंग कर दी है, कट करके उसके बाद हमने उसमें बहुत पतला सा शेप दे दिया है, यू शेप का इसमें शेप हमने बना दिया है, ऊपर से गुलाई है तो आप देख सकते हैं। और उसी से मैं इसमें पेंटिंग करूँगी, लगभग लगभग मैं इसमें जितने ब्रश यूज़ करूँगी मैंने सबकी कटिंग कर दी है क्योंकि वो ब्रश चल नहीं रहते, तो मैंने सबको थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से कट करके उसको बना लिया है और माशाल्लाह से वो अभी अच्छे चल रहे हैं। और मैं आपके साथ मैं वीडियो बना रही हूँ और आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ, आप खुद देख सकते हैं कि मैंने ब्रश को जो है अच्छे से बना लिया। लेकिन कपड़े पर चलते हैं थोड़ा खुर खुर की ऐसे तरह से आवाज़ आती है, लेकिन फिर भी ब्रश जो है हमारे पहले से बेहतर हो गए हैं, कलर हम उसे अच्छे से लगा पा रहे हैं और हमारे शेड भी थोड़े मेहनत लग रहे हैं तो क्या हुआ, शेड भी अच्छे से बन रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे उस ब्रश से थोड़ा जल्दी भर जाता था इससे थोड़ा टाइम लग रहा है, इसमें बस थोड़ा सा यही फर्क है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले जो हमने कली का सेप बना रखा है, पहले हमने रेड वाला पार्ट कर लिया है, उसके बाद ये सेप ग्रीन देखिए साइड साइड से जो है लगा रही हूँ और ऊपर नोक से पतले पतले लीफ की जो है पतली पतली लाइनिंग डाल रही हूँ उसमें लीफ, ताकि अच्छा सेव आए हमारी कली का। और यहाँ पे ग्रीन शेड बना रही हूँ मैं, सेव ग्रीन है ये, इंशाल्लाह अच्छी वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेव ग्रीन और रेड जो भी है उसका नंबर मैं डाल लूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कली हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत सी आप देख सकते हैं। और साथ ही हमें इस सेव ग्रीन में थोड़ा थोड़ा रेड शेड का शेड डाल देना है और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे वाइट शेड डाल देना है और इसको अच्छे से मिला देना है, एक बार करके उस पर दोबारा दोबारा करके ब्रश को चला देंगे, हमारा शेड जो है अच्छा सा बन जाएगा। तो यहाँ पे जो कली थी वो हमने बना ली है और अब हम बनाएंगे लीफ बनाएंगे, आपको लीफ करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद कली भी दिखाएंगे और
और फिर उसके बाद फ्लावर भी आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने सैप ग्रीन ले लिया है। सैप ग्रीन को जो है हम इस तरह से बीच से लगाएंगे और किनारे किनारे पे ड्राई शेड वाला शेड करेंगे पहले। इस तरह से आप देख सकते हैं ड्राई शेड पे इसको हम शेड करेंगे किनारे किनारे से। और इसमें बहुत ज़्यादा रेशे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ड्राई शेड पे इस तरह से करना है, किनारे तक थोड़ा सा ऊपर खाली रखना है, वहाँ पर हम व्हाइट शेड से कटिंग करते हुए उसका शेड देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कॉर्नर पर बिल्कुल जो है कलर ले लिया है ऊपर नोक पे, और उस तरह से घुमाते हुए हम उसका लीफ का जो है शेप बना रहे हैं और ऊपर तक इस तरह जाएंगे। नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे बिल्कुल नोक पे, यहाँ देख सकते हैं आप इस तरह से। और अब यहाँ से ऊपर से, यहाँ से भी नीचे से आप कर सकते हैं, नीचे से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनता है, उसका शेप बनते जाता है और हमारे समझ में भी आता है किस तरह से बनाएंगे कि हमारा शेड सही आएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर से इस तरह से बनाते हुए आएंगे। देखिए लीफ हमने पहले सैप ग्रीन जो है बीच से लगाया और ऊपर से वाइट लगाया, आपने देखा कि मैंने कैसे लगाया। अगर आप चाहें तो बीच से जैसा आपने ग्रीन लगाया उसके बाद ही रेड शेड दे सकते हैं, जैसे मैंने बाद में रेड शेड दिया उस, तो आप उसके बाद ही रेड शेड दे के वाइट शेड का शेड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बाद में दिया है। इस तरह से आपका मन करता है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, और अगर पहले रेड शेड का शेड देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, क्योंकि बाद में रेड शेड डालेंगे क्या पता आपका उतना अच्छा ना बने। तो इसके लिए आप पहले भी ट्राई कर सकते हैं, इससे अच्छा कि आप एक दो प्रैक्टिस कर लें कौन सी आपसे लीफ अच्छी बन रही है किस तरह से, तो उस तरह से ट्राई कर लें, उसके बाद जो भी डिज़ाइन करना चाहते हैं उसको डिज़ाइन करें। और उसी तरह से ये देखिए हम दूसरी लीफ बनाएंगे फ्रेंड्स, और ये काफ़ी अच्छे से लीफ तैयार हो रही है हमारी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। इसको हम जब डिज़ाइन को फिल कर देंगे, और ये डिज़ाइन हमारी हमने थोड़ी सी तो बनाई है, डिज़ाइन हमने दो फ्लावर के साथ तैयार की थी, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी, तकरीब एक घंटा से ऊपर की वीडियोस थी, 1 घंटे 10 मिनट की वीडियोस थी। मैंने इसको थोड़ा फास्ट कर दिया है और जो है और थोड़ी थोड़ी हमने इसमें वीडियो को शॉर्ट कर दिया है, काट काट के इसकी कटिंग करके छोटी कर दी है, ताकि अब ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं हो, फिर भी 30 मिनट की हो गई आप देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फास्ट भी हमने नहीं किया, बस इतना ही किया है कि आपको समझ में आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं देखिए यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएंगे, और एक तरफ वाइट शेड हमारे ब्रश में एक तरफ होना चाहिए, बिल्कुल बीच में नहीं होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए। जब उसको आप घुमा के शेड लगाएंगे तो आपका खुद बहुत अच्छा जो है बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो लीफ हमारी जो है तैयार है, और ये बहुत ही अच्छा सा शेड है, आपको भी पसंद आएगा उम्मीद करती हूँ, और सबको पसंद आएगा। बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन भी है छोटी सी, और शेड भी बहुत अच्छा है। अगर इस फ्लावर की आप जो है पेंटिंग बेडशीट का ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऑर्डर मैं ले रही हूँ और स्टार्ट हो गया ऑर्डर लेना, क्योंकि नवंबर में मेरे बच्चों की छुट्टी है, तो आप नवंबर तक जो है ऑर्डर दे सकते हैं। तो यहाँ पे दो लीफ हमारी हो चुकी है, एक लीफ में हमारा रेड कलर थोड़ा शेड कम है, दूसरी लीफ में थोड़ा ज़्यादा है। तो आपको जो लीफ पसंद है आप उस तरह से बना सकते हैं, आप लाइट में बनाना चाहते हैं तो लाइट बना सकते हैं, अगर डार्क बनाना चाहते हैं तो डार्क बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको कली फिर से करके दिखाते हैं। देखिए हमारी कली जो है पूरी तरह से बंद है, बस थोड़ा थोड़ा सा उसमें से कली का जो कलर है वो दिख रहा है, फ्लावर का जो कलर रहेगा वो दिखेगा। तो हमने थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे देखिए बहुत ही ब्रश से बहुत हल्का हल्का कलर लगाया है, फिर उसके बाद उसके साइड साइड जो है हम ग्रीन कलर का शेप देंगे। देखिए लगाना है हमें कहाँ पे और लगा मैं कहाँ रही हूँ, वहाँ पे नहीं लगाना, पहले इसको बनाना है ठीक है, क्योंकि रेड शेड हमें पहले लगाना है, रेड शेड के बाद ही शेप ग्रीन का शेप देना है। तो उसी तरह से पहले हमें इसको भरना है, उसके बाद हम वो कली बनाएंगे दूसरी वाली। ये देखिए इस तरह से पतले पतले से, अगर आपके ब्रश बिल्कुल अच्छे हैं, स्मूथ हैं, पतले हैं, अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो उससे जो आपके लीफ का जो पतला वाला हिस्सा होता है खूब अच्छा सा बनता है, तो कली हमारी जो है और भी ज़्यादा अच्छी खूबसूरत बनती है। तो ये चीज़ कली में जब बनाते हैं हम तो वो बिल्कुल रियल लगती है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपकी लीफ जो है बहुत ही प्यारी लगेगी। और यहाँ पे नीचे से यहाँ पे देखिए गुलाई देंगे और डंडल बना देंगे उसी में से। कली बहुत ही प्यारी सी बनी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आई होगी।
और इंशाल्लाह आपको फ़्लावर भी बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स जल्द से जल्द मुझसे कांटेक्ट करें आप, अगर आपको ऑनलाइन क्लास करनी है तो जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। आज 1 नवंबर है और आज जो है क्लास स्टार्ट होने वाली है, और आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी शाम तक क्लास स्टार्ट है, ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं मैंने आज क्या बताया है। फिर घर पर अपनी चीज़ जो लेनी होगी आप ले लेना, फिर घर पर प्रैक्टिस कर लेना। तो इस तरह से हो सकता है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी दूसरी कली थी उसको भी हमने बना लिया। यहाँ पे बिल्कुल फ्लावर से मिली हुई है, तो देखिए इस तरह से बनेगी। यहाँ पे ज़रा भी डंठल नहीं है, डायरेक्ट जो है फ्लावर के पीछे से दिख रही है। तो इस तरह से हमें बनाना है, थोड़ा संभाल के बनाना है, क्योंकि कलर अगर आपको ब्रश नहीं चलाने आता है तो जो है कलर इधर उधर भी जा सकते हैं। तो आप बहुत संभाल संभाल के बनाएं उसकी, उसको अच्छे से शेप देने की कोशिश करें, उसको अच्छे से कलर भरने की कोशिश करें, ताकि आपका जो है ख़राब ना हो। नीचे कैसे बना देते हैं थोड़ा सा, ये हो गया। अब इसमें हमें जो है रेड शेड, जैसा कि हमने कहा रेड शेड डालना है थोड़ा थोड़ा, फिर वाइट डालना है थोड़ा थोड़ा। कली में थोड़े थोड़े कलर वाइट डाल देंगे हम, और फ्लावर में बहुत कम हम वाइट का यूज़ करेंगे। फ्लावर बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि इसमें फ्लावर में कितना हमें कलर डालना है। यहाँ पे देखिए जो है फ्रेंड्स, हमारा जो सारी लीफ थी हमने बना ली है, लगभग लगभग किनारे की जो लीफ थी हमारी बन चुकी है। ये एक लीफ और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे आप जो है, पहले मैंने रेड कलर फिल कर लिया है, जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि आप जो है बाद में भी रेड कलर लगा सकते हैं और पहले भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले रेड कलर लगा लिया था और वाइट शेड जो है बाद में बना रही हूँ, ठीक है। इस तरह से भी आप जो है बना सकते हैं। देखिए कलर ब्रश में ज़्यादा कलर हो गया है, इसकी वजह से देखिए यहाँ पे वाइट ज़्यादा हो गया। इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, बनाने के चक्कर में और ख़राब ही होते जा रहा है। देखिए इस तरह से ये ख़राब होते जा रहा है, इस तरह से बहुत संभाल संभाल के करना पड़ता है। थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुआ तो कलर ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा चलेगा वो बन जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो नहीं बनेगा। देख सकते हैं आप कितना, मतलब यहाँ पे फिनिशिंग ख़राब हो गई है हमारी लीफ की, और जो चीज़ दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। हाँ तो अभी इस पहले नीचे से हम उसको अच्छे से शेप दे लेते हैं, और उसके बाद में उसको वाइट से इसमें एक एक स्ट्रोक लगा देंगे ऊपर से, ताकि ये क्लियर हो जाए। इस तरह से लीफ हमारी जो है तैयार हो गई है। तो अब हम आपको लीफ करके फ्लावर करके दिखाएंगे। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है, आप पूरा ज़रूर देखिएगा, और इसकी बिल्कुल ना करें। आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैंने इसमें जो चीज़ ऐड की है और मैंने इसको इतना अच्छा बनाया है, शायद आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप पेंटिंग करने वालों में से हैं तो इस डिज़ाइन से आप जो है इस तरह के डिज़ाइन बना के बेडशीट तैयार कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि लोगों को जो है डार्क शेड काफ़ी पसंद आता है, तो उम्मीद करती हूँ ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद आएगी उनको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहरी हिस्से से हमें जो है कलर लगाना है। हर बार मैं नीचे से शेड लगाती थी, लेकिन इस बार मैं बाहरी हिस्से से लगा रही हूँ। नीचे की तरफ जाऊँगी, लगभग लगभग पूरा नीचे जाना है, बस थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर जो है हमें नीचे छोड़ना है, और उसमें हम मरून शेड लगा के रेड कलर में मिक्स करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं लेमन येलो शेड डाल के जो है इसको थोड़ा लाइट कर रही हूँ। अब ऑरेंज शेड भी डाल के इसको लाइट कर सकते हैं, लेकिन ऑरेंज शेड का जो है कलर बिल्कुल अलग हो जाता है थोड़ा सा। तो मैं लेमन येलो डाली हूँ और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मैं इसमें वाइट ही बाद में डालूँगी, बहुत हल्का हल्का। बाहर जो बाहर की पेटल्स रहेगी उसमें नहीं मिलाना है, जाने दीजिए इसी तरह रहेगा, लेकिन आगे की जब पेटल्स आएगी तो उसमें हमें वाइट शेड बहुत हल्का हल्का डालना होगा। तो मैं जब डालूँगी तो आपको बताऊँगी किस तरह से उसको डालना है, ठीक है।
और यहाँ पे मैंने मरून शेड लिया है। देखिए ये मरून शेड मैं डायरेक्ट जो कलर आता है मैंने उसको यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमारा जो मरून शेड है बहुत हल्का दिख रहा है। तो जो हम अगली लेयर बनाएंगे पंखुड़ी, अगली पंखुड़ी बनाएंगे अंदर वाली, तो ये हमारा मरून शेड जो है बहुत जैसा लाइट ज़्यादा दिखेगा और हमारा फ्लावर की जो पंखुड़ी होगी हमारे वो क्लियर नहीं दिखेगी। तो इसके लिए जो हाँ अगर आपका मरून शेड है तो उसमें आप थोड़ा सा ब्लैक शेड जो है ऐड कर लें, उसकी वजह उससे जो है आपका जो ये डार्क शेड आप लगाते हैं फ्लावर के नीचे हिस्से से, पंखुड़ी के नीचे हिस्से में, वो जो है बहुत अच्छे अच्छे से लुक देते हैं, अच्छे आते हैं, वो बहुत अच्छे दिखते हैं। तो आप उसमें अपने मरून शेड में जो है ब्लैक कलर का यूज़ करके उसको मिक्स करके उसके बाद यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपका जो शेड बहुत अच्छा बनेगा, आपकी पेटल्स जो है बहुत अच्छी बनेगी। तो अभी जब मैं डार्क शेड यूज़ करूँगी यहाँ पे मरून कलर का आपको दिखाती हूँ। मैंने तो यहाँ पे अभी यही शेड यूज़ किया है, देखती हूँ एक दो बना के अगर समझ में आता है तो बनाऊँगी, नहीं तो फिर डार्क वाला ही यूज़ करूँगी। मेरे पास दो बॉटल है, मैंने एक में जो है ब्लैक शेड मिला के रखा हुआ है मरून का और दूसरी बॉटल में जो है डायरेक्ट मरून शेड रखा हुआ है। तो मुझको जहाँ पर जो लगता है मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं देखिए काफ़ी लाइट सा दिख रहा है। तो जब आप ब्लैक शेड इसमें डाले रहेंगे ना तो आपका ये थोड़ा नीचे वाला सिर्फ जो है डार्क दिखेगा, इसकी वजह से जो आपकी उसके ऊपर वाली पंखुड़ी जो बनाएंगे आप वो बहुत ही अच्छी दिखेगी। तो इसीलिए बोल रही थी कि आप जो है डार्क शेड का यूज़ करें। चलिए मैं आपको डार्क शेड में करके दिखाती हूँ। देखिए इसमें मैंने ब्लैक शेड मिक्स करके रखा है, ये मेरा मरून शेड है और ये फेविक्रिल होता है ना वो कलर है, अभी वो फैब्रिका का था जो मैं यूज़ कर रही थी, अभी ये फेविक्रिल है और इसमें जो है मैंने ब्लैक शेड ऐड किया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें मैंने ब्लैक कलर ऐड किया हुआ है ताकि जो है हमारा शेड थोड़ा गाढ़ा हो जाए और रेड कलर के साथ वो थोड़ा उबड़ के दिखे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे करके। देखिए हमने थोड़ी सी जो नीचे की पेटल्स है उसके ऊपर ही कलर फिल किया और यहाँ पे देखिए जब ये ब्लैक शेड और मरून शेड को एक साथ लगाएंगे हम और ये बहुत ही अच्छा लुक आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, देखिए शेड हमारा कितना डार्क सा आ रहा है ना। तो इस तरह से आप बनाइए, आपके जो डिज़ाइन है फ्लावर बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे। और आप हमारी वीडियोस देखा करें, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द पेंटिंग आ जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे चैनल से पेंटिंग सीखे हैं और कर रहे हैं, कुछ लोग तो ऑनलाइन होकर सीख रहे हैं मुझसे डायरेक्ट और कुछ लोग तो ऐसे ही देख देख के सीख गए हैं, जिनको थोड़ा ज़हन होता है ना वो सीख जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वीडियोज़ में देखते हैं लेकिन कन्फ्यूज़ रहते हैं कि यहाँ पर क्या लगाए हैं, यहाँ पर क्या लगाएँ, ऐसे उनको समझ में नहीं आता है। तो जबकि मैं हर एक चीज़ डिटेल्स में बताती हूँ, यहाँ पर ये है यहाँ पर ये है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। आप ज़रूरी नहीं है कि जो कलर मैं बताती हूँ वही यूज़ करें, आप अपने हिसाब से भी कलर वगैरह जो है यूज़ कर सकते हैं, तभी तो आपको अलग पेंटिंग करने आएगी। तो आप अलग चीज़ भी यूज़ करके बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ सेम वही शेड आप यूज़ करें। वही शेड में जैसे हमारे कलर का नंबर कुछ और है, आपके कलर का नंबर कुछ और है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। आप सब कलर नंबर पूछते हैं, कलर का नाम जान लिया ये बहुत है आपके लिए है, बस कलर आप अपने से चूज़ करो कि हमें कौन सा कलर लगाना है। क्योंकि आपको अगर सीखना है तो खुद से कलर लगाओ, खुद से करो, किसी का कलर देख के मत करो। आप खुद से कलर लगाओगे तो आपको बहुत ही अच्छी सी पेंटिंग समझ में आएगी किस तरह से आप बनाएंगे और आपको पेंटिंग करने भी आएगी कि किस तरह से आपको करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी लगभग लगभग बाहर की जो जितनी भी पंखुड़ियाँ थी हमने बना ली हैं और फ्लावर का लुक अभी से आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लग रहा है और ये जब पूरा बनेगा तो कितना अच्छा लगेगा। और पूरा बनने के साथ साथ हमने बाहर भी कुछ चीज़ें ऐड की हैं, आप उसे ज़रूर देखिए और वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स, ताकि आपको पूरी डिटेल्स में जो है पेंटिंग समझ में आए कि हमने कैसे की है, क्या लगाया है, सब चीज़ आपको दिखेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। तो स्टेप बाय स्टेप करके जो भी हमारी नीचे की पंखुड़ियाँ रहेंगी फिर उसके ऊपर जैसे रहेंगी हमारे फ्लावर की पंखुड़ियाँ उसी तरह हम उसको करते जाएंगे, नीचे वाली पहले करेंगे ऊपर वाली बाद में करेंगे, जिससे क्या है हमारे फ्लावर की फिनिशिंग अच्छी आती है और हमारा फ्लावर भी अच्छा बनता है और बनने के बाद वो अच्छा और खूबसूरत दिखता भी है। तो यहाँ पर भी हमने कुछ ऐड किया हुआ है, मैं आपको वो बताऊँगी फ्लावर में।
तो आप इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि बीच बीच में कुछ बातें होती है जो बताई जाती है और आप वो मिस कर देते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, ताकि आपको जो भी चीज़ है वो क्लियर समझ में आए कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप, हमने रेड और मरून के शेड से जो है पंखुड़ी तैयार की है। अभी इसमें एक शेड मैं और डालूँगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक एक पंखुड़ी जो है, जो नीचे वाली हमने सबसे पहले उसको तैयार की, फिर उसके ऊपर की तैयार की, फिर उसके ऊपर की तैयार की, इस तरह से हमें तैयार करना है ताकि आपका फ्लावर का फ्लावर जो है उसकी फिनिशिंग बरकरार रहे, फ्लावर जो है बहुत अच्छा दिखे। इसकी वजह से मैं इस तरह से आपको बताती हूँ ताकि आपको आगे चल के और भी अच्छी फिनिशिंग के साथ पेंटिंग करना आ जाए। कुछ लोग हैं जो मेरे YouTube चैनल से मेरी वीडियोस देखकर काफ़ी अच्छी और ख़ूबसूरत पेंटिंग कर रहे हैं और माशाल्लाह से उनको सीखने की ज़रूरत नहीं, वो मेरे YouTube चैनल से ही देख के सीख गए हैं। बहुत अच्छी उनकी पेंटिंग है, कोशिश उनसे फिर उनसे कहूँगी कि वो और भी आगे कोशिश करें, इंशाल्लाह उससे भी अच्छी आएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि एक कलर यहाँ पे डालेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा जो है वाइट शेड डाला है, और बहुत थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा सा, बस इतना करना है कि वाइट शेड रेड कलर में लगा के मिक्स कर देना है, जिससे हमारी पेटल्स और भी उबड़ी हुई दिखेगी इस तरह से, ऊपर की तरफ और भी फ्रेश और ऊपर की तरफ उबड़ी हुई दिखेगी। तो इसकी वजह से हमें वाइट कलर का यूज़ करना है, बहुत थोड़ा सा। अभी मैं फिर से यूज़ करती हूँ तो आपको बताती हूँ किस तरह से। और यहाँ पे देखिए बाहरी साइड में जो हमारा है, हमने यहाँ पे पेटल्स बना ली, मरून शेड दे लिया। अब देखिए यहाँ पे ये अंदर के पार्ट तक जहाँ तक है वहीं तक हमें वाइट शेड लगाना है, बाहर साइड नहीं लगाना है। बाहर के साइड में आप कहीं भी नहीं लगाओगे वाइट शेड, सिर्फ अंदर के साइड जहाँ पे हमारा डार्क शेड रहेगा बस उसी के पास पास जो है वाइट शेड आपको डालना है। इससे आपकी पेटल्स जो है बहुत ही अच्छी दिखती है, अच्छा लुक आता है उसका। यहाँ पे वीडियो हमने थोड़ी फास्ट कर दी है ताकि आपको बोरियत ना महसूस हो और आप जो है आराम से देख पाएँ वीडियो को। उस वीडियो की जो है मैंने उसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से एक एक पंखुड़ी करके हमें बनाना है, और एक एक पंखुड़ी बनाने से हमें क्या है, हम एक साथ भी कई पंखुड़ी बना सकते हैं, लेकिन एक एक पंखुड़ी बनाएंगे जब आप ना, तो आपकी जो है पेटल्स वो है अलग अलग फिनिशिंग के साथ आएगी। अगर एक साथ बनाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ से क्या थी, कहाँ से क्या थी। इस तरह से आप एक साथ ना बनाएं, और दो एक दो करके बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ना बनाएं, ज़्यादा बनाएंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कहाँ पर कौन सा शेड लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शेड लगाना है वाइट, और देखिए यहाँ पे अंदर थोड़ा सा वाइट शेड लगाना है, बहुत हल्का सा लेना है ताकि हमारा रेड कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट हो जाए, बस इतना ही लगाना है। अब हम चलते हैं इधर की साइड। अब इधर की हमारी दो तीन पंखुड़ियाँ और बची हैं, उन्हें भी हम कर लेते हैं, उसके बाद आपको बाहरी पार्ट में करना बताते हैं किस तरह से बाहरी पार्ट में हमें डिज़ाइन को अपने फिल करना है। फ्लावर की खूबसूरती आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा सा लग रहा है। और वाइट शेड लगाने के बाद हमें बहुत ही अच्छे से उसको मिक्स कर देना है, और हर जगह पूरी पूरे में वाइट शेड नहीं लगाना है, बस थोड़ी थोड़ी दूर पे कहीं कहीं लगाना है। इस तरह से लगा के अपनी पेटल्स को आप क्लियर कर लें, अच्छे से बना लें, उसके बाद जो है दूसरी पेटल्स बनाएं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आज लास्ट डे है, आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैंने वीडियोस में नंबर डाला हुआ है, आप वहां से लेके मुझसे कांटेक्ट करें, आपको सारी डिटेल्स जो है मिल जाएगी कैसे क्या करना है, और आपको कुछ सामान लेने रहेंगे सीखने के लिए, आप वो ले लीजिएगा। अगर आज नहीं ले सकते तो कल ले लीजिएगा, लेकिन आज आप ज्वाइन हो जाएंगे तो जो है जो बताया जाएगा सिखा जाएगा वो आप देख लेंगे, तो कल आपके लिए ईजी हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो क्लास स्टार्ट करने के बाद आते हैं, बोलते हैं ज्वाइन कर लीजिए, तो उसका छूट जाता है उन लोगों का और पीछे हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि जो बताया जाता है। तो इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, आज आखिरी दिन है, आज से क्लास स्टार्ट होगी, तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए और आज ज्वाइन हो जाइए। आप कल जो है
जो आपको बताया जाएगा वो आप देख लीजिएगा और घर पे उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर कल से जो है रहेगा आप साथ साथ में करेंगे। यहाँ पे हमने बाहर की तरफ पीछे की तरफ मुड़ी हुई पेटल्स बनाई है और उसको सेप दे रही हूँ। देखिए जहाँ पे मुड़ी है हमारे पेटल्स ना, उसके नीचे हम मरून शेड लगाएंगे, नीचे छोड़ देंगे, नीचे वैसे ही रहेगा जैसे हमने रेड शेड फिल किया उसी तरह से रहेगा। बस जहाँ पे हमारे पेटल्स मुड़ी है वहाँ पे हम डार्क शेड लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो अब हमारी पेटल्स मुड़ी, इसमें सिर्फ रेड शेड लगाएंगे, रेड शेड के साथ थोड़ा सा उसमें जो है वाइट शेड ऐड कर देंगे और इस तरह से हमारा फ्लावर जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, यहाँ देखिए इस तरह से जो है हमारा जो है फ्लावर की पेटल्स जो है तैयार हो गई है ना। तो इस तरह से हमारा फ्लावर भी तैयार हो गया। तो फ्लावर आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा फ्लावर, क्योंकि डार्क शेड बहुत लोग पसंद करते हैं। अब चलिए आगे की जो इसमें और डिज़ाइन हमने ऐड की है, जो भी हमने इसमें बनाया है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं किस तरह से बनाना है। तो अब हमारे ग्रीन कलर का शेड बाकी है, उसको ग्रीन कलर जो हमारा है उससे बनाएंगे। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे ग्रीन कलर लेंगे और ये ब्रश जो हमने कटिंग की है वही ब्रश है, हमने अपने दो तीन ब्रश जो है कट किए हैं। देखिए इससे नहीं बन रहा है, इसका शेप जो है हमने नोक में बनाया हुआ है। इससे जो हमारी एक डिज़ाइन है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, मतलब इसके बाद जो वीडियोस है आने वाली है उसके बाद वाली वीडियो में बताऊंगी किस तरह से आपको डिज़ाइन करना है। ये ब्रश तो मैंने एक नंबर का फिर वही ब्रश ले लिया जो मैंने पहले यूज़ किया था, उसी से देखिए इस तरह से ग्रास जैसा बनाएंगे, बारीक बारीक जहाँ पे जगह हमारी खाली है वहाँ पे ग्रास जैसा डाल देंगे। इससे हमारी डिज़ाइन जो है पूरी फिल हो जाएगी, भर जाएगी। देखिए जहाँ जहाँ पे खाली रहेगी वहाँ पर थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, इससे हमारी डिज़ाइन की खूबसूरती बढ़ जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर अभी देखना कितना खूबसूरत लगता है, ये बहुत ही प्यारी लगती है डिज़ाइन बनने के बाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ हमारी बन गई है। अब हम वाइट शेड लेंगे, बिल्कुल जो हमारा फ्लैट ब्रश होता है उसके नोक पे वाइट शेड लेंगे और बिल्कुल ब्रश को सीधा करके इसको टैप टैप करके डॉट डॉट करके बड़ा बड़ा इस तरह से आपका जो फ्लैट ब्रश रहेगा उसी शेप में हमें इस तरह से लगाना है कलर को। देखिए वाइट शेड मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, इस तरह से आप भी लगा सकते हैं। इसके साथ में आप सैप ग्रीन भी डाल सकते हैं, अगर आपका दिल है तो आप इसके साथ जो है सैप ग्रीन भी डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने ग्रीन शेड फिल किया है वहाँ पे आप जो है वॉलेट कलर, पर्पल कलर या फिर ब्राउन शेड वो भी फिल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आपको कौन सा कलर पसंद है आप वो कलर जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वाइट शेड जो है लगा दिया है और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग हो गई है, ठीक है, जो था ये उससे अलग हो गया है। अब हम बनाएंगे, चलिए फ्लावर हमारा थोड़ा थोड़ा सोना लग रहा है तो इस पर हम थोड़े थोड़े ड्रॉप डाल देते हैं, एक दो ड्रॉप डाल देंगे, इसी फ्लावर हमारा और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए वही ब्रश है हमारा, तो मैं यहाँ पे मरून शेड से जो है सर्कल डाल रही हूँ, बहुत छोटे छोटे सर्कल बनाने हैं। और मेरे पास 0 नंबर का ब्रश है लेकिन उसमें कलर मेरे बच्चियों ने कलर लगा के रख दिया था तो वो थोड़ा हार्ड हो गया है, तो इसके लिए मैं ये फ्लैट ब्रश से ही जो है छोटे छोटे सर्कल्स बना रही हूँ। और इन्हीं से आप देखिएगा कि मैं किस तरह से इस पर जो है ड्रॉप बनाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सर्कल जो हैं 3 सर्कल हमने पूरी कर लिए हैं। और अब हम इसमें लगाना है रेड शेड, सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर हम लगाएंगे रेड शेड। तो ये देखिए ब्रश मेरा 0 नंबर का है लेकिन ये बहुत हार्ड हो गया है तो मैं उसी से थोड़ा थोड़ा कलर लगा देती हूँ, क्योंकि दूसरे ब्रश से अगर फिल करूँगी तो अच्छे से फिल नहीं होगा, तो इसी मैंने उसी ब्रश से जो है फिल कर लिया। और देखिए यहाँ पर डॉट करके वाइट शेड तीनों में डाल देंगे। अब हम अपने ब्रश के पिछले हिस्से से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत छोटा सा ड्रॉप है इसके लिए मैं पिछले हिस्से से इसको मिक्स कर रही हूँ और बहुत ही इजीली जो है हम अपने ड्रॉप को जो है बना लेंगे। देखिए यहाँ पे ज़्यादा हो गया वाइट, फिर से इसको हम जो है मिक्स करते हैं, थोड़ा सा रेड शेड आप लगा सकते हैं, अगर ज़्यादा हो जाता है तो रेड शेड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ड्रॉप मेरा बन गया है, आप देख सकते हैं दिख रहा है। अब इसमें बारीक बारीक से जो लगेंगे वाइट शेड उसको लगाना है। अब यहाँ पर हमारा फ्लैट ब्रश है 3 नंबर का और उसका नोक बहुत ही पतला है तो मैं उसी नोक से जो है इस पर डॉट लगा रही हूँ जिससे ड्रॉप मेरे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ड्रॉप ही बन चुके हैं और ये कितनी प्यारी सी डिज़ाइन जो है तैयार हो गई है। जब ये पूरी बनेगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करने पड़ने से चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल पाए और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को जो है देख पाएँ। तो साथ ही मैं इसके एक और ड्रॉप बनाना चाहती हूँ, चलिए यहाँ पर एक और ड्रॉप बनाते हैं।
ये ड्रॉ बनाने में थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि सर्कल इसका अच्छे से बन नहीं पाया और उसमें रेड कलर जो है अच्छे से फिल नहीं हो पाया, तो ये थोड़ा सा वैसा नहीं बना जैसा कि पहले का 3 ड्रॉप हमने बना लिया था, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, इतना चलता है। ये देखिए हमारा ड्रॉप जो है सब तैयार है, रेडी है, और हमारा हमारी डिज़ाइन भी रेडी है। आपको कैसी लगी डिज़ाइन फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के देखने के लिए आप कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय फ्रेंड्स।